अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रसा है और आप ज़ीशान रसा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब भर में इस वक्त जो है वो अशोक चशम तेज़ी से फैल रहा है। कराची के बाद जो है वो तेज़ी से ये वबाई मर्ज जो है वो फैल रही है, आंखों को मुतासर कर रही है। तो वहाँ दूसरी जानब अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन इंजेक्शन की को लेकर जो है वो मामला चल रहा है और ये स्कैंडल जो है इंजेक्शन का सामने आया है और गलत इंजेक्शन लगने से करीब 60 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो मुतासर हुए हैं। पहले जो हैं वो महकमा सेहत की रिपोर्ट हुई जिसमें 17 जो मरीज़ थे वो सामने आए, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ पंजाब के शहरों में से केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बैच जो था ये गलत था, इस ये जाली इंजेक्शन थे और ये वायल्स जो हैं इन्होंने मुतासर किया। शुगर के जो मरीज़ हैं उनको ये लगाए जाने होते हैं और इसे कैंसर के एंटी कैंसर दवाई के तौर पे भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर मौजूद हैं, फातिमा अंसारी साहबा मौजूद हैं और इस हवाले से अशोक चशम के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, सारे मामले पर इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आप काफ़ी मसरूफ हैं और मरीज़ भी आप चेक कर रहे हैं, अभी भी आपके पास जो है वो अशोक चशम के मर्ज़ में मुबतला मरीज़ जो हैं वो काफ़ी सारे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या मर्ज़ है जो इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है? क्या ये पहले हर साल होता है या इस बार ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ज़ीशान, ये है कि ये मर्ज़ जो है ना अशोक चशम जो कहलाता है, ये कंटेजियस बीमारी है और चूँकि ये वायरस से फैलती है और एक से दूसरे को होती है तो ये तेज़ी से फैल सकता है। इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, अगर ख्याल ना रखा जाए और एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया जाए तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाती है और ये हर साल क्या हर कभी भी हो सकती है, साल के किसी हिस्से में हो सकती है। लेकिन जब लोग एहतियात कर रहे होते हैं और अवेयर होते हैं और उनको शुरू में ही पता चल जाता है, तो शुरू में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम शुरू में काउंसलिंग करनी शुरू कर देते हैं तो वहीं पर वो रुक जाती है। हमारे पास पूरा साल जो है ना इस तरह के पेशेंट्स रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन ये के साथ ही हम उनको एहतियाती तदाबीर बता के तो वहीं पर वो रुक जाता है। लेकिन ये इस तरह अजीब मामला ये हुए हैं कि एकदम से जब मुख्तलिफ जगहों पे इसके पेशेंट्स रिपोर्ट हुए तो उनको पता नहीं चला और उन्होंने एहतियाती तदाबीर को अख्तियार नहीं किया तो वो इस तरह से एकदम से वबा की सूरत में पूरी उसने हमारे कोरोना टाइप फैल गया, यानी कि लपेट में ले लिया। हाँ, अगर एहतियातें शुरू से ही साथ कर लेते वो, जैसे कि हम बता देते होते एक दो पेशेंट होते तो वो हो जाना था, लेकिन वो इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ कि बहुत सारे पेशेंट एकदम जो है ना वो स्क्रीन पे आ गए। तो ऑन बोर्ड जब इतने सारे पेशेंट्स आ गए तो अब उनको सबको अवेयर करना और वो सारा कुछ करने में अब टाइम लग रहा है, तो वो 2 से 3 हफ्ते हमें लग गए हैं। ये कि अब कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल बेहतर हुआ है कि फोटोकॉपी सूरत में हम उनको एहतियाती तदाबीर लिख के दे रहे हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं और जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको उनकी समझो पूरी फैमिली अवेयर हो जाती है, तो इससे कुछ हद तक कंट्रोल होगा। लेकिन ये कि कुछ सीजनल इफ़ेक्ट भी होता है कि जिस दौरान जैसे अप्रैल मई मार्च अप्रैल और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर इन जो होते हैं महीनों में, इसमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एलर्जी के पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं तो उसमें भी ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं, लेकिन बहरहाल बेहतर हो रहा है जी। उम्मीद ये की जा सकती है कि मज़ीद जो पेशेंट हैं उनकी आने वाले कुछ दिनों में जो शरह है उसमें कमी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल पेशेंट जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग इसमें एहतियात नहीं बरत रहे। अगर आप आइसोलेट नहीं होंगे, आपके घर में से कोई शख्स जो मुतासर होता है उसे दूसरे बाकी लोगों से थोड़ा सा जो है उसे दूर नहीं करेंगे, और उसे अगर आपका बच्चा मुतासर है तो आप उसे स्कूल ना भेजें, अगर आपके घर में कोई अफराद मुतासर है आप दफ्तर ना जाएँ, स्कूल ना जाएँ, कॉलेज ना जाएँ, काम काज पर ना जाएँ, तो उससे बाकी अफराद को भी बचाया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक दूसरा मसला जो चल रहा है, अभी महकमा सेहत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, आप लोग भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, महकमा सेहत ने बड़ा उसमें अपना किरदार अदा किया, लेकिन निजी जो क्लिनिक्स पर अब जो ऑस्ट्रेलियन इंजेक्शन मौजूद है वो अगर लोगों को मुतासर करता है तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि इंजेक्शन होता क्या है और ये असल तो क्या यह जा रहा है कि ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी जब वो आंखों में की मर्ज में मुबतला होते हैं तो उनको इलाज के लिए तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, शुगर एक बीमारी है, ठीक है, सिस्टेमिक डिज़ीज़ है, उसमें ब्लड शुगर का लेवल जो है ना उसको कंट्रोल रखना होता है। ये बीमारी कभी भी जिस्म से जाती नहीं है, ये ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। इसमें बीपी ये इसमें ब्लड शुगर जो है ना उसका लेवल लो भी हो जाता है, हाई भी हो जाता है, लेकिन वो मरीज़ उसका रहता ही है। जिस मरीज़ में शुगर होती है उसकी आँखों के पर्दे बड़े मुतासिर हो जाते हैं, जिसको जैसे 10-15 साल से शुगर है तो उसमें जो हमारी बारीक शरियाने हैं ना ये उसकी बीमारी है।
इसमें बारीक शरियाने जिस्म में किसी भी हिस्से में है ना, तो वो इंजेक्शन है जो ऑस्टन है, शरियाने जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आँख का पर्दा है ना, उसमें बड़ी नाजुक सी शरियाने हैं और वो हम उनको डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं। ये आँख एक वाहिद आँख जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसमें हम शरियानों को डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस मर्ज में शरियाने कमज़ोर हो जाती हैं। जब शरियाने कमज़ोर हो जाती हैं ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या ब्लॉकेज हो जाता है। अब ये शरियाने जो ब्लॉक होती हैं ना, तो एक नई शरियाने बननी शुरू हो जाती हैं। जो नई शरियाने होती हैं ना, वो भी कमज़ोर होती हैं। ठीक है, अब ये जो अवेस्टिन इंजेक्शन है, ठीक है, ये आँख के अंदर वाले हिस्से में लगाया जाता है और ये उन शरियानों को मजबूत करता है ताकि उनमें से ब्लड ना निकल सके, ब्लीडिंग ना हो आँख के पर्दे में। क्योंकि आँख के पर्दे में जब ब्लीडिंग होती है, वो शरियानों के कमज़ोर होने की वजह से होती है। तो हम इससे या तो वो ब्लीडिंग को रोकते हैं और या फिर ये कि शरियानों को मजबूत करते हैं। ये इंजेक्शन बहुत हेल्पफुल है और ये हम शुगर के मरीज़ों में ये एक ब्लेसिंग है कि अगर उनकी आंखों में ये लगा दिया जाए तो वो हमेशा वाली मुस्तकिल नज़र की कमज़ोरी। असल में प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो हुआ सब स्टैंडर्ड था। सब स्टैंडर्ड एक बैच आ जाता है, यानी कि उसकी जो डिटेल थी, ड्रग जो टेस्ट रिपोर्ट थी, उसमें वो सब स्टैंडर्ड था कि वो इस्तेमाल नहीं किया जाना था क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया। अब जाहिर सी बात है जिन्होंने उसकी इजाज़त दी है ज़िम्मेदार तो वो हैं, लेकिन मज़ीद महकमा सेहत इस पर काम कर रहा है और जो लोग इसमें इसमें जिनकी गफलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो सब स्टैंडर्ड बैच था जिसको बगैर चेक किए तमाम अस्पतालों में भिजवा दिया गया। ऐसा ही हुआ है। देखें, इंजेक्शन तो हम रूटीन में पता नहीं कब से लगा रहे हैं और ये लगता आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से लग रहा है, और ये पेशेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल भी है। लेकिन ये कि अब ये वाले जो इंजेक्शन थे, ये बैच में क्या मसला आया है, स्टेरिलाइजेशन में मसला आया है या कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, किस लेवल पे मसला आया है, एडिनोवायरल इन्फेक्शन भी थी, अब मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इसके लिए इंक्वायरी बिठाई हुई है हमने। तो लेकिन ये इंजेक्शन बहरहाल इतने बड़े प्रॉपर तरीके से कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हर सिटी में जाता है, शौकत खानम इसको प्रोवाइड करता है, तो ये कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर ये हुआ है इस तरह, तो ये ऑल ओवर द पंजाब हुआ है, कोई एक दो मरीज़ नहीं है कि हम कहें कि स्पेसिफ़िकली हम उनमें कॉज निकाल सकें कि झंग में है या फैसलाबाद में क्यों है, लाहौर में क्यों हो गया, कराची में क्यों हो गया। लेकिन ये स्पेसिफ़िकली किसी एक जगह पे नहीं हुआ कि कोई एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि उस बैच में ही प्रॉब्लम थी। इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंक्वायरी बिठा दी है, काफ़ी सारी टीमें इस पर काम कर रही हैं ताकि पता चले किस लेवल पर हो रहा है। क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत नीडी है शुगर के पेशेंट्स को, ये एक नई निगाह देता है। तो हम इसको ये भी नहीं कर सकते, यहाँ लीव नहीं कर सकते, फिलहाल इसको बंद कर दिया है। अब इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आती है, फिलहाल पीछे से इंजेक्शन उन्होंने भी बंद कर दिए हैं, वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि क्या वजह थी, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है मरीज़ों के लिए, इसने काफ़ी नुकसान पहुँचा देना है। तो इस वजह से फ़िलहाल तो पीछे से भी बंद कर दिया है। हम लोग भी अभी पेशेंट्स को यही काउंसिल कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट करने दें कि क्या हिसाब किताब है, क्यों पीछे से। तो जैसे ही वो चीज़ें होती हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, हम चाहते थे कि हम इस पर बात करें कि आखिर ये जो इंजेक्शन है ये क्यों इसने मुतासर किया मरीज़ों को, और जो अशोक चशम की ऊपर हमने बात की कि उसे कैसे बचा जा सकता है, और डॉक्टर साहबा से हमने खसूसी टाइम लिया ताकि हम आपको जो है वो आगाह कर सकें और किस तरह से आप एहतियाती तदाबीर जो हैं उन्हें अख्तियार करके आप अशोक चशम से बच सकते हैं। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।